हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, दिस इज योर होस्ट दिशु खन्ना एंड वेलकम टू माय चैनल दिशु व्लॉग्स। तो ना आप लोगों की डिमांड आई थी कि भाई साहब वीडियो नहीं आए, सरस्वती मोटर्स नहीं आए, तो सरस्वती मोटर्स का मैंने पिछला वीडियो इसलिए डाल दिया मैंने रॉयल एनफील्ड के ऊपर। तो आज ना फिर कमेंट आए मेरे पास कि भाई यार तुमने रॉयल एनफील्ड दिखा दी, हार्ली नहीं दिखाई, जो बादशाह है। मैंने कहा यार आज बादशाह वाली वीडियो लाते हैं। तो हम पहुँच गए वापस जसनीत पाजी के पास। कैसे हो पाजी? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाउ आर यू दिशु? बस बढ़िया है। मैंने कहा भाई आपके लिए यार डिमांड आ गई हार्ले की, अब मतलब बंदों ने इतनी भाई थैंक यू सो मच गाय। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी आपने काफी अच्छा प्यार दिया, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाकर देख लो। इट वॉज ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड और जीटीज वगैरह, बड़ी सारी दिखाई थी मैंने, अच्छे अच्छे कलर्स दिखाए थे। अब इतने नहीं देखे तो पहले वो देख लो। एंड उस वीडियो पे जो भी आपने प्यार दिया, कमेंट्स करे, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऐसे प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, मोटिवेट करते रहो, ताकि दिशु और मैं मिल के आपको अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखाएं। बिल्कुल। तो आज का हार्ले का है हमारा, तो शुरू करें। आज करते हैं समथिंग इंटरनेशनल विच इज नोन एज हार्ली डेविडसन। अब पहले आपको देसी दिखा दिया, अब इंटरनेशनल दिखाते हैं, बाकी जो आप कहते रहोगे वो आपको दिखाते रहेंगे दिशु लोग से जाल के ऊपर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ज़्यादा बातें, मैं बोलता बहुत हूँ, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हार्ली डेविडसन के अंदर जो सबसे बेसिक वन है, जो सबसे शुरुआत आती है हार्ली की, लार्ज कॉलर भी और स्पीड 750। ये देख लो, इसके सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ फिर मैं। ये जो बाइक है दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग, मोस्ट सेलिंग, हॉट सेलिंग बाइक है ये। एंड वो भी क्यों ना, हार्ली डेविडसन आप चला रहे हो, आपको अच्छे बजट में हार्ली डेविडसन मिल रही है, तो क्या चाहिए। और अब इस बड़ी की गाड़ी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, दिस इज 2017 मैनुफैक्चर एंड 18 रजिस्टर्ड, मोर ओवर डेली नंबर है और सिंगल ओनर बाइक है। सामान काफ़ी कुछ लगा हुआ है इस बाइक के अंदर गाइस। आगे से शुरुआत करते हैं, तो पहले हेडलाइट लगी है इसके अंदर LED वाली, आपको मैं दिखा देता हूँ। LED वाली हेडलाइट है, डे मेकर लाइट बोलते हैं। हार्ली डेविडसन की तरफ से ओरिजिनल लेग गार्ड लगा हुआ है। उसके अलावा ये फुटपैक्स चेंज हो रखे हैं, दीज आर योर लॉन्गेटेड फुटपैक्स। ये जो आप कैप देख रहे हो, एयर फिल्टर कैप, दिस इज ऑल्सो चेंज। साथ ही साथ में आपको पीछे बैकरेस्ट मिल जाता है, और बैकरेस्ट के साथ साथ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एग्जॉस्ट। इसके अंदर कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, विच इज लिटरली वेरी लाउड और बहुत ही मीठी आवाज आती है, बड़ी मजेदार आवाज है इसकी। तो इसको भी चला के दिखाएंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ सबकी सुनाऊंगा आपको। एंड गाइस, इस गाड़ी की खास बात यह है कि ये चली है सिर्फ 3500 किलोमीटर, बस 3500 किलोमीटर ओनली। तो हार्ले के अंदर मेरे पास स्टॉक आने वाला ना, आज आपको ऐसे ऐसे धमाके बम्स गिराता रहूंगा कि सारी बाइकें इतनी कम चली है और इतनी क्लीन कंडीशन के अंदर है कि आप लोग भी बोलोगे कि भैया कौन सा पेड़ा कहाँ से तोड़ के लेके आते हो। तो ये वही चीज़ है, और दिस इज 2018 के लो खड़ा है ये, स्पीड 750, सिर्फ 3500 किलोमीटर चली थी, ABS मॉडल, दिस इज विद ABS। एंड इसका एक्सपेक्टेड प्राइस हम लोग जो रख रहे हैं अभी, दैट इज गोना बी 4.25 लाख, सवा 4 लाख रुपए की आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग ऑल दी एक्सेसरीज। ओके, अब जो लोग कमेंट करेंगे कि भैया बड़ी एक्सपेंसिव है, महंगी है, तो गाइज द न्यू बाइक इज नियर अबाउट 6,75,000 एक्सक्लूडिंग दी एक्सेसरीज। उसके अंदर आप लेग गार्ड लगवाओगे, लाइट्स लगवाओगे, एग्जॉस्ट, बैकरेस्ट लगवाओगे, तो लाख रुपए का सामान कब हो जाता है पता नहीं चलता। तो दिस इज़ अ वेरी स्टील डील जो मैं आपको दे रहा हूँ, बाइक पूरे एक साल पुरानी है, एंड ये भी प्राइस नेगोशिएबल है ब्रदर। आप आइए बाइक देखिए, चला के देखो, क्योंकि नेगोशिएट। नेक्स्ट बाइक होने वाली है वो भी 750 cc के अंदर होगी, बट उसका बड़ा भाई कह लो या उसका थोड़ा इम्प्रूव वर्जन कह लो, दिस दैट्स गोना बी योर हार्ली-डेविडसन स्पीड रॉड 750। अब ये जो बाइक है गाइस, इसके अंदर जो भी ड्रॉबैक्स थे स्पीड के अंदर, वो सारे इसमें पूरे किए गए हैं, और थोड़ा सा एक टेक्सचर, एक लुक चेंज करा गया है इस बाइक के अंदर। और बेसिक डिफरेंस जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसके अंदर आगे मिलते हैं आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स, दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स हैं, जबकि स्ट्रीट में सिंगल डिस्क ब्रेक है, डुअल डिस्क ब्रेक्स। बिल्कुल, इधर स्ट्रीट देखोगे तो उसमें सिर्फ सिंगल डिस्क ब्रेक, स्ट्रीट में अगर देखो तो सिंगल डिस्क ब्रेक है। ओके, और उसके अलावा जो मेन फर्क है वो इसका सस्पेंशन, सो दी शॉकर्स आर मोर इम्प्रूव, मोर एडवांस दैन द रेगुलर स्ट्रीट। इसके शॉकर भी आप देख लो, तो ये एक बेसिक फर्क है जो सबसे ज़्यादा, मतलब जो काम आने वाला फर्क कह सकते हैं वो है, एक इम्प्रूवमेंट है स्ट्रीट रॉड 750 के अंदर। उसके अलावा काफ़ी सारे इकोनॉमिक चेंज करे गए हैं, स्ट्रेट हैंडल बार दे दिया, थोड़ा सा व्हील बेस बढ़ा दिया, टायर्स की थोड़ी सी ग्रिप अच्छी के लिए, ट्रैक्शन अच्छी के लिए थोड़े से उसमें चौड़े टायर दिए गए हैं, थोड़े से ब्रॉड टायर्स दिए गए हैं, टू गेट मोर ट्रैक्शन एंड बेटर स्पीड, आपको हैंडलिंग अच्छी मिलती है। ये जो बाइक है गाइस, ये भी 2017 मॉडल है, ये चली है सिर्फ लगभग 4,800 किलोमीटर। इसके अंदर भी आपको हैंडल और ग्रिप्स मिल जाती हैं, मोर ओवर आपको लेग गार्ड मिल जाता है, और साथ ही में इसमें कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है जिसकी आवाज़ सुनाई जाएगी। सबकी आवाज़ सुनाऊंगा आपको, आवाज़ सबकी सुनेगी, लेकिन लास्ट में
तो इसकी जो प्राइस की अगर बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो वी आर एक्सपेक्टिंग नियर अबाउट 4.5 लाख फॉर दिस बाइक, 4.5 लाख रुपये हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट तो दिखा दी हार्ले, अब आ रही है हमारी तीसरी हार्ले। अब जैसे 750 दिखा दी, अब 750 आपका भी मन भर गया है, बोर हो गए, तो कुछ ऊपर दिखाते हैं, कुछ एडवांस दिखाते हैं। तो दैट्स गोना बी योर आयरन 883। आप चलते हैं 883 cc के ऊपर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट एन आयरन 883 शुड बी। ये गाड़ी एक मेरे पास आई है, बिल्कुल कहते ना जैसे मेरी वीडियोज़ आपने देखी है अगर आप लोगों ने, तो मैं जो मेरी गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है ना, मैं उनको बोलता हूँ बुलबुल का बच्चा। तो ये बुलबुल का बच्चा खड़ा है आज मेरे पास, ये आयरन खड़ी है, एंड लिटरली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट लोडेड आयरन। और इसकी जो आवाज़ है, शायद आपने ऐसी आवाज़ किसी आयरन में नहीं सुनी होगी, आई कैन बैट ऑन दिस थिंग, मतलब बहुत कम लोगों ने जिन्होंने सुनी होगी इसकी जैसी आवाज़ किसी ने सुनी होगी। तो चलिए चलते हैं बाइक के ऊपर। गाइस दिस इज 16 मैन्युफैक्चर एंड 17 रजिस्टर्ड, ये MY17 ही है वैसे। ओके, एंड बाइक जो है ये ABS मॉडल है, द न्यू आयरन। अब न्यू आयरन के अंदर आपको फ़र्क कैसे पता चलता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया इसकी अलॉय व्हील्स के साथ, इसके अलॉय व्हील्स थोड़े से चेंज है। ये जो सिल्वर लाइनिंग है ये एंड में होती है न्यू आयरन के अंदर, पुरानी वाली आयरन के अंदर यहाँ पर होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, आपको देखने में अगर चेक करना है कॉस्मेटिकली तो क्या फ़र्क है, ये फर्क है। और सिंगल डिस्क है इसमें, इसमें सिंगल डिस्क आती है, ABS आ रहा है इसके अंदर। मोर ओवर इस बाइक के अंदर सामान लगा हुआ है रज के, पंजाबी में बोलते हैं ना, हाँ रब ने पसंद देता रज रज के, हनी सिंह का गाना है, तो इसके अंदर हार्ले ने सामान देता रज रज के, तो भर के सामान दिए इसके अंदर। सामान के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर लगा हुआ पहले हार्ली डेविडसन का ही लेग गार्ड्स भी लगी हुई है, ये बड़ी अच्छी इनकी ल्यूमिनेंस है। दीज आर योर फॉग लाइट्स बहुत काम आती हैं, अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कह लो जरूरी चीज़ है ये। उसके अलावा लगा स्क्रीमिंग ईगल का हैवी ब्रीदर, नो दिस इज ओरिजिनल स्क्रीमिंग ईगल, ये नकली नहीं है, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीमिंग ईगल की बैजिंग भी है, उसका सीधा कर देता हूँ। उसके अलावा इसके अंदर लगी हुई है ये छोटी सी लॉकेबल टैंक कैप, विच इज़ अगेन ज़रूरी है, कई बार पेट्रोल चोरी हो जाता है, इससे नहीं होगा, आप लॉक करके रख सकते हो। और साथ ही साथ में जो मेन चीज़ है वो आता है इसका एग्जॉस्ट। नाउ गाइस दिस इज़ वैंसन आइंस 2:1 सिंगल टिप एग्जॉस्ट, इसकी आवाज़ एक नंबर आवाज़, मतलब समझते हो गाइस, इसकी जो आवाज़ है वो लिटरली एक नंबर है, 2:1 वैंसन आइंस, बहुत ही निम्बल आवाज़ है, बहुत ही स्वीट आवाज़ है, ना ज़्यादा लाउड ना ज़्यादा कम, एक डिफरेंट आवाज़ आ रही है, मतलब आयरन में से ऐसी आवाज़ सुनी नहीं है, वो ऐसी आवाज़ है इसकी। उसके अलावा बाइक के अंदर काफ़ी सामान लगा हुआ है, सीट्स लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा पैलेटीज, रियर सीट है, रियर फुट पैच है, हैंडल बार ग्रिप्स हैं, LED लाइट्स हैं, मोबाइल फ़ोन होल्डर है, चार्जर है, उसको पूरी रैप कर सकता हूँ मैं, इतना कुछ सामान है इसके अंदर। मोर ओवर साइड माउंट नंबर प्लेट है इसके अंदर, पीछे देखो वो फोल्डेबल है, रिट्रैक्टेबल है, उसमें काफ़ी सामान है, दिस इज़ फुली लोडेड। एंड मेन बात आते हैं कि चली कितनी है, मीटर भी दिखाते हैं, ये बाइक चली है 1944 किलोमीटर ओनली, बहुत कम है, लेस देन 2000 किलोमीटर, सिर्फ 2000 किलोमीटर चली है ये गाड़ी, कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड के साथ, पंजाब रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर है, बुलबुल का बच्चा है, सामान से लपालप भरी पड़ी है, इसके अंदर एक्सेसरीज हज़ारों की नहीं लाखों की लगी हुई है दोस्तों, एंड सब कुछ ऑथेंटिक ओरिजिनल लगा हुआ है। इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस हमने रखा हुआ है, दैट्स गोना बी 7,50,000, 7,50,000 रुपये आपको 7.5 लाख की मिल जाएगी, विच इज़ अगेन फर्दर नेगोशिएबल ओवर द टेल। तीन हार्ले तो हो गई, अब आती है चौथी हार्ले, मतलब हार्ले ना मतलब कहते हैं ना वो पड़ी है भाई, आओ देखो ले लो, ये हिसाब किताब है हार्ले का। तो अब दिखाते हैं चौथी हार्ले, जसनीत पाजी अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप लोगों ने देख ली, अब चलते हैं उसके बड़े भाई के ऊपर, दैट्स गोना बी योर रोडस्टर 1200। रोडस्टर 1200, ये रोस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ी बड़ा अच्छा लगता है देखने में, जो इसकी बैचिंग करी गई है पूरा रिफ्लेक्टर, बहुत यूनिक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बाइक एवर प्रोड्यूस बाय हार्ली डेविडसन। 1200 सीसी के अंदर एक आइकॉनिक चीज़ आती है, दैट्स योर 48। अगर आपको पता होगा जो लोग 48 लवर्स हैं, अगर 48 की बात करी जाए और रोस्टर की बात करी जाए, तो रोस्टर इज अ मच इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ 48। ऑल्दो दिस शेयर द सेम इंजन, बट इसके अंदर बहुत सारे फीचर नए दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं बेसिक ओवरव्यू से, इस बाइक के अंदर आगे दोस्तों आपको मिल जाती है डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल है, ABS कंपनी स्टैंडर्ड, ABS स्टैंडर्ड आता है इसके अंदर। उसके साथ ही साथ आपको मिलता है इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर डिजिटल है, ऊपर RPM हो गया और नीचे सब कुछ आता है, अभी 20 किलोमीटर बाद में दिखाऊंगा कितनी चली है। उसके अलावा ये डेनिम ब्लैक कलर है विद योर रेड एक्सेंट्स,
लुक्स वेरी यूनिक, बहुत ही शानदार है। डेनिम मतलब मैट ब्लैक कह सकते हो, मैट ब्लैक हाँ, यानी क्रोम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। दिस इज ऑल स्टॉक विजय बाइक है दोस्तों, बिल्कुल स्टॉक है, बिल्कुल कंपनी मेंटेन बाइक है, बिल्कुल स्टॉक है। और अब मेन बात आती है ये गाड़ी चली कितनी है, बढ़िया 38 किलोमीटर ये चली है, 2117 बस। तो ये भी लगभग 2000 किलोमीटर ही चली है गाइस। रोडस्टर 1200 2017 सॉरी 16 मैन्युफैक्चर एंड 18 रजिस्टर्ड है ये। ओके, 2018 में निकली है शोरूम से बाहर, सिर्फ 2100 किलोमीटर चली है अब तक। बिल्कुल ये भी बुलबुल का बच्चा है। दिस इज अ स्टॉक बाइक, इसमें कुछ सामान नहीं लगा हुआ फालतू, देर इज नथिंग एक्स्ट्रा विच इज एडेड ऑन द बाइक। एंड नई बाइक की अगर प्राइस के बारे में बात करें तो ये पड़ती है लगभग 13.5 लाख रुपये की ऑन रोड। आपको ये सरस्वती मोटर्स से मिल जाएगी ओनली फॉर 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपये की मिल जाएगी, वो भी प्राइस नेगोशिएबल है। ओके, मतलब ऑन टेबल है। एग्जैक्टली, ओवर द टेबल आप आइए, बैठ के बात करते हैं, आई गिव यू द बेस्ट प्राइस एंड द बेस्ट बाइक। गाइस, अब आपने 750 भी देख ली, 883 भी देख ली, 1200 सीसी भी देख ली, तो चलते हैं कुछ अच्छे खासे मोटे बच्चे की तरफ। अच्छा खासा ताज़ा मोटा बच्चा, शैड बॉय गोना बी योर हार्ली डेविडसन ब्लैक बॉय। ये जो बाइक है ये तो देखो लेजेंडरी है, ये तो एक लिविंग लेजेंड है, जो भी बिक्री है अभी मार्केट में आ रही है। और स्पेसिफिकली दिस मॉडल, ये 2017 तक जो मॉडल आया था, दिस मॉडल इज एब्सोल्युटली लेजेंडरी मॉडल। अब 2018 में शेप चेंज कर दी थी, मेरे को पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि जो रेट्रो लुक होती है जो ये चीज़ थी वो चीज़ 18 मॉडल में नहीं आ पाई। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। दिस बाइक इज गाइस 2016 मैन्युफैक्चर एंड 17 रजिस्टर्ड, 2017 मॉडल है ये बाइक का। 103 मिलोकी इंजन एंड नेक्स्ट लेवल मशीन है। जो इसका लेवल ऑफ रिफाइनमेंट है, जो इसकी चाल है, जो इसमें मज़ा है चलाने का, वो शायद आपको दूसरी हार्ले में नहीं है। फैट बॉय इसीलिए एक लेजेंडरी है, ऑल बिकॉज ऑफ द राइट क्वालिटी डिलीवर्स एंड मोर ओवर जो क्रोम है, लश्कारे मारती है ऐसे लपा लप निकलती है, शाम को निकलो दिख रहा है अभी ऐसे लपा लप लश्कारे मारती है, मज़ा आ जाता है। बाइक के बारे में आपको बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको गाइस, इसके अंदर एसेट कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लगा हुआ है। आपको एडिशनल है वो मिल रहा है एक लेग गार्ड, आप देखोगे, बाकी एक रेगुलर फुटबोर्ड्स लगे हुए हैं नीचे हार्ली की, और एक रेगुलर ब्रेक पैड लगा हुआ है और डबल एग्जॉस्ट जैसे देख सकते हैं। बाकी ये सब जो भी क्रोम आप देख रहे हो, दिस इज ऑल स्टॉक बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द कंपनी। इसके अलॉय व्हील्स तक जो है वो भी स्टॉक आते हैं, क्रोम के आते हैं, वो भी स्टॉक। इस बाइक में सब कुछ स्टॉक है, सिर्फ एक लेग गार्ड लगा हुआ है विच अगेन अननेसेसरी आइटम, कुछ भी इसके अंदर परफॉर्मेंस मॉड्स नहीं करे गए हैं। एंड ये UK 07 देहरादून रजिस्टर्ड है। अब गाड़ी किलोमीटर की बात करते हैं, चलिए यहाँ से डैश दिखाते हैं। नाउ दिस बाइक इज रिडन ओनली 3763 3700 3700 किलोमीटर। ये एक यूनिकनेस है, आपको आज सारी बाइकें मैंने ऐसी ऐसी दिखाई हैं जो अंडर 5000 किलोमीटर से चली हुई है। एंड दिस वॉज द लास्ट ऑफ द मॉल लीस्ट, मतलब लास्ट कह नहीं सकते क्योंकि अभी और आएंगी, बहुत सारी आएंगी, इट्स नॉट लास्ट ऑफ मॉल, बट दिस वॉज ऑल डे फॉर आज की वीडियो के लिए। आज यही था मेरे पास। एंड आपको कौन सी बाइक पर्सनली अच्छी लगती है, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में सब कुछ बताओ। एंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कराए तो सबसे पहले जाकर हिट दैट लाइक बटन, दिशु के भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़रूरी है। ऐसा कंटेंट तभी देखने को मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, तो घंटे वाला बटन दबा देना है, तभी नोटिफिकेशन आ जाएगी आप लोगों को।